जो लोग अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब वो टाइगर 3 को देखने वाले हैं, और कुछ लोग गणपत का भी इंतजार कर रहे थे और कुछ बोल रहे थे कि हम एनिमल देखने जाएंगे पहले। लेकिन आप सभी के लिए मैं बता दूं, इन मूवियों को एक साइड में कर दो, और जो अभी सबसे बड़ा धमाका होने वाला है बॉलीवुड इंडस्ट्री में और पूरे इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में जो धमाका होने वाला है वो कौन करने वाला है? वो हमारे रॉकी भाई करने वाले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, KGF 3 जो है अनाउंसमेंट उसका हो चुका है काफी दिन पहले, लेकिन अभी उसकी डेट आ चुकी है कि कब KGF 3 आ रही है। बहुत से लोग जो है सलार को लेकर इतनी ज्यादा उंगलियां उठा रहे थे और प्रभास को लेकर बातें बना रहे थे कि प्रभास ने क्या कर दिया, प्रभास जो है डर खड़े हुए, भाग गए, जो भी था। हर किसी ने अपनी अपनी बातों में प्रभास को बहुत भला बुरा कहा, सब कुछ कहा, क्योंकि आदि पुरुष के बाद में उनकी ऐसी मट्टी पलीत हो गई थी जिसे उनके लिए अपने आप का जो मुंह पर कलंक लग गया था उसे साफ कर पाना वो नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन हाँ, सलार को पोस्टपोन करने का रीजन एक मेन था, अभी आपको रॉकी भाई दिखने वाले हैं, इसी साल दिखाई दे जाएंगे। ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे कि KGF 3 तो अभी आ भी नहीं रही है तो हमारे रॉकी भाई कहां से दिख जाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं, ये गारंटी से 100% कंफर्म हो चुका है, सलार जो मूवी है उसके अंदर हमारे रॉकी भाई का भी कैमियो होने वाला है। सलार के मेकर्स ने सलार को इसलिए लेट किया था क्योंकि सलार अभी इसी साल 2023 में रिलीज ही करनी थी, थोड़ा सा रिलेट कर रहे थे क्योंकि प्रभास का जो रॉकी भाई के साथ में एक एक्शन सीन था जो सलार में दिखाया जाना है, उनका एक कैमियो, उसको लेकर प्रशांत नील जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी के लेट करने की वजह यही मेन बताई जा रही है कि रॉकी भाई को लेकर आना है सलार में किसी भी तरह से। सलार के बाद में सलार 2 रिलीज हो जाएगी 2024 में, ये भी कंफर्म हो चुका है कि सलार 2 रिलीज होने के बाद KGF 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी अक्टूबर 2024 में। सलार 1 इसी साल रिलीज होनी है 2023 में और सलार 2 रिलीज हो जाएगी 2024 में, तो साल 2024 अक्टूबर में ही शुरू हो जाएगी KGF 3 की शूटिंग। अभी आप सोच रहे होगी कि KGF 3 की क्या कहानी रहने वाली है। KGF 3 की कहानी की अगर बात की जाए तो उसकी कहानी कुछ अलग ही लेवल में जाने वाली है, क्योंकि KGF 3 में जो बताया जा रहा है अभी तक उसकी कहानी पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं दिखाने वाली, क्योंकि उसका जो बन रहा है एक सेंस जो बन रहा है KGF 3 का वो अभी से यही दिखाई दे रहा है कि वो उसे पास्ट में लेकर जाएंगे। और ज्यादा पास्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिस टाइम पे उसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में जो एक सीन आया था वो विदेश में गए थे अपनी गनों की डिलीवरी लेने के लिए, उस टाइम पर उन्होंने वहां क्या कारनामा किया और विदेश में जाकर उन्होंने एक नया गैंगस्टर जो वहां पर अपनी एक नई हुकूमत जमा दी थी उसका जो कुछ दिखाने वाले हैं, जिसमें सलार की भी एंट्री होती है और बाकी सब दिखाई देने वाले हैं। और प्रभास को लेकर बता रहे हैं जो KGF 3 में आएंगे वो तो एक अलग ही एम्पायर खड़ा कर देंगे अपना, और नए नए कैमियो प्रशांत नील इन मूवियों में करवाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है उसमें नए नए कैमियो हमें देखने को नजर आने वाले हैं, चाहे उसमें सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, जूनियर NTR हो, आलिया भट्ट हो, कोई भी हो, उसी तरह से ही प्रशांत नील ने भी वही द्वारा से कारनामा कर दिया है, वो भी अपने एक एक से बढ़कर कैमियो करवाने वाले हैं। जूनियर NTR भी इस KGF यूनिवर्स का हिस्सा होने वाले हैं। सलार 1 और सलार 2 के बाद में जब KGF 3 आएगी तो उसके बाद में जूनियर NTR की भी मूवी आने वाली है, जो अभी तक की सबसे ज्यादा वॉयलेंट मूवी होने वाली है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। अभी आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो KGF 3 के लिए या उससे पहले सलार और सलार 2 के लिए? तो अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज्यादा पागल हो KGF सीरीज के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन और किसी भी वीडियो के बारे में नई जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। धन्यवाद।